यू मीन दिस जो बायोपिक मुझे कह रहे थे, मैं कहा कि मे बी आफ्टर 59 अभी नहीं, अभी तो मैं जो मैं नहीं सोच सकता था वैसा सब हो रहा है. आई एम वर्किंग विद ऑल द न्यू कमर्स और अच्छा लग रहा है. और अब हम ये कह दें कि बायोपिक हो गई तो लोगों का देखने का आपकी तरफ जो है तौर तरीका है डिफरेंट हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म में वो नहीं वो समेट पाएंगे, गोविंदा की फिल्म मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इफ़ दे विल गो थ्रू द चाइल्डहुड के जो जो एक नीचे से जो ऊपर आते हैं लोग या जो गरीब तबके से आए हुए होते हैं वो लोगों की या वो चाइल्डहुड की मेकिंग हो चुकी होती है वो लोगों की, और वो स्टार बनने से बहुत पहले ही वो स्टार होते हैं अंदर. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो बाद में देखती है परंतु जो गरीबी तबके से आए हुए लोग होते हैं वो होते हैं कहीं अंदर पहले ही स्टार. तो वो एक फिल्म में तो मुझे नहीं लगता है कि वो कवर कर पाएंगे. दे विल हैव टू गो थ्रू, पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी रंगीला नजर लग रही है. बायोपिक और ये सब मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अभी वो डिस्कस करूँ. ओके, काफ़ी सारी बायोपिक्स अभी आ रही है फिलहाल में, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है. कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मतलब मनमोहन सिंह जी की छवि खराब की जा रही है उस फिल्म में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पॉलिटिकली डिस्कस करता नहीं हूँ जिस वक्त से मैं निकला हूँ, ताकि ये नहीं है कि मेरा उस मतलब विषय में मेरी रुचि ख़त्म हो गई है, परंतु मैं उसे डिस्कस करूँगा तो लोगों को लगने लगेगा कि फिर इलेक्शन आ रही है, ये कहीं वही तो नहीं देख रहा है, इसका झुकाव तो नहीं है कहीं. ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है आँखें या दृष्टियाँ उनकी लगी हुई होती है कि आपकी मतलब कि माइक टेस्टिंग कहते हैं ना जैसे हेलो, तो बिना बात के बहुत लोग फूंक मार रहे होते हैं जिस वक्त ये माहौल आ जाता है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो डिस्कस ही करूँ. आई एम अवॉइडिंग इट, सॉरी. मैं ऐसे यूजुअली नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग उस तरफ देखें कि गोविंदा एज अ पॉलिटिकल हीरो. सॉरी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बाहर निकल गया तो मुझे लगता है ये दो वो निकल गए हैं अभी टाइम से बाहर निकले उससे आप कृपया, क्योंकि ये फिल्म लाइन का ये दौर रहा है, जो गया उसमें पॉलिटिक्स में फिर 10 साल उसे काम नहीं मिला, और जो बहुत ही कमाल थे वो लोग 15 साल नहीं मिला. वो लोग में मैं हूँ. ओके सर, इसी के साथ में सर, काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में हमने आपको देखा है शुरू से लेके अब तक, और अब भी और आपकी आने वाली फिल्म में भी हम आपको देख रहे हैं डबल रोल में. ऐसा कौन सा किरदार है सर जो आप अब भी प्ले करना चाहते हैं और जो अभी तक आपको मौका ना मिला उस किरदार को प्ले करने का? देखिए, अब जो लोगों के पास फिल्में बनाने की और उन्हें पेश करने की सुविधा है, और ऐसे लोगों के सामने आइडिया डिस्कस करना तो महापाप है. और वो मीडिया के साथ थ्रू करें तो मतलब कि एकदम मतलब समझिए कि सेकंड डे आप वो देख रहे होंगे. तो जो है दिल में वो सरप्राइज़ की तरह आए. तो हम लोग जैसे के लिए जो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत साल बाद आई एम सो थैंकफुल टू पहलाज जी, आई फील सो थैंकफुल टू पहलाज जी, टू नारीरा साहब के आप लोग के माध्यम से पुनः मैं किसी ना किसी तरह से आ गया फिर सोसाइटी में. ऐसा मुझे लग रहा था जैसे सोसाइटी से निकाल दिया गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुनः वापसी है ये सुखद रहे, और पॉलिटिक्स का इसमें दूर दूर तक कहीं मतलब कि समझिए मैं क्या कह रहा हूँ डिस्कस ही ना हो, और जो काम मिला है वो काम करें, और जैसे शुरू में किया करता था मैं वही माहौल रहे. उतनी ज़्यादा फिल्में तो नहीं करूँगा, होंगी भी नहीं अभी ऐसा दौर भी नहीं है, परंतु जो काम मिले बहुत अच्छे से करके निकले. जैसे वन शेड्यूल ये फिल्म तैयार हुई है, इससे पहले वन शेड्यूल मैंने जो फिल्म की थी वो तैयार हुई थी, परंतु मेरे साथ ये दुखद रहा है कि जहाँ जहाँ मैं टाइम पे आया हूँ या वन शेड्यूल फिल्में आई हैं वो कहीं डिस्कस नहीं हुई है. आप कृपया लिखिएगा कि मैं समय पे आता था कृपया क्योंकि बदनामी करने में इतने पैसे लोगों ने खर्चे किए हैं, और अब जो पुनः जो वापसी हुई है सोसाइटी में
तो इसमें उसकी तकलीफ ना आए किसी तरह की, सोशल तकलीफ ना आए। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि तुम हमेशा देर से आने की तो बात नहीं, मेरे साथ रहा ही है ताकि जो टाइम पे आए तो तुमने पूरी टाइम पे सवाल ही नहीं उठता, ये तो साथ अपने साथ ही रख लेते हैं मुझे ना। जी आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए हुए हैं, पर आपको नहीं लगता कि आप उस इमेज में स्टक हो गए कि उसी तरह की फिल्में आपके पास आ रही हैं? जी मुझे शुरू में लग रहा था ऐसा। आदरणीय दिलीप साहब जी के साथ मैंने फिल्म की थी इज्जतदार, उन्होंने उसके दरमियान मुझसे कहा कि गोविंद तुम ये जो हेल्थ की मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी जिस वक्त वो नई नई फिल्में चल रही थी, मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, एक्शन टाइप सिनेमा, तो उन्होंने कहा कि तुम लाइट सिनेमा करो, और वो मुझ पर मुझे सूट कर गया और आई स्टार्टेड गिविंग हिट्स एंड मुझे ऐसा लगा कि ये नया दौर चल पड़ा है और इस नए दौर के साथ रिलीफ अलग है, तकलीफ़ नहीं है, काम ऐसे हो जाता है। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मेहनत नहीं कर रहे हैं परंतु लोग पैसे दे रहे हैं और कृपया दिया करें, तो हंसी मजाक में निकल जाता था काम। तो जो लोगों को बहुत टफ लग रहा था या लग रहा था कि बहुत हार्ड वर्क है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं वो। तो व्हाट जो कहते हैं कि आंवले का खाया और बुजुर्ग का कहा, कभी गलत नहीं होता है, तो वही हुआ। मैं काफ़ी वन आफ्टर मैंने 14-15 साल हिट फिल्में दी, तो उससे हिस्ट्री हो गई। ये हिस्ट्री नहीं होती अगर मैं उनकी बात नहीं करता। सो थैंकफुल टू। उसके बाद जो है, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपकी बात का, कि जो हार्डवर्क आपने जो उस टाइम नहीं किया, हंसते खेलते किए, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन एक ही खाली आपकी जो ना बात रही कि पहले भी नई हीरोइन के साथ नीलम के साथ काम किया आपने एक फिल्म में, दूसरे में दिव्या भारती के साथ किया, तीसरी ऋतु शुक्री के साथ किया, अब मिशिका और दो अलग लड़की, दो नहीं है, दो नहीं लड़की है। तो ये आपका दौर जो है ये खाली चालू है लाइट, ये तो चलते रहना चाहिए आई थिंक। ये तो मुझे ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना कि फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर मैं कई वर्ष तक, आज तक तो नहीं परंतु कई वर्ष चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी आर लकी के लोग फ्रेंड्स जाके ढूंढा करते हैं, देखा करते हैं, समझा करते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये लफ्ज़ जो है इसकी रिक्वायरमेंट का पहले तो समय नहीं मिलता, फिर समय मिल जाता है तो मैंने दो सितारे कभी देखे आसमान में जुड़े हुए कभी देखे नहीं और जल्दी से होते नहीं हैं, और उनके बीच अगर विवाह हो गया हो तो आप देख लें और वो नज़र आ जाए। परंतु एज एन आर्टिस्ट दिल में वो भाव रहे कि ये पूरी फिल्म लाइन जो है कि एक घर परिवार है, एक पूरा परिवार है ये पूरी फिल्म लाइन, वो थ्रू आउट रहा करता है। तो फ्रेंड जो है उसके लिए फीका लफ्ज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड उस हद में शायद ही मुझे लगता नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड एक घर परिवार आपको इस घर में आके सदस्यता मिल जाए, ये इजी नहीं है। बहुत ही कमाल की जगह है ये फिल्म लाइन, और यहाँ जो फ्रेंड्स ढूंढते हैं या शाम में उनको अपनी इवनिंग्स जो है पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, मिला करते हैं, ये कभी मेरा दौर रहा नहीं। मैं इतनी ज़्यादा तभी फिल्में की थी, अब जो है आज से ये समझ लीजिए कि ये शुरू हो गया फिर से पुनः, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टार्ट है। इस सोसाइटी मैगजीन से समझिए कि मैं आपको नज़र आऊँगा ज़्यादातर पार्टियों और फंक्शन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि जिस समय ये मैं नया नया फिल्मों में आया समय ही नहीं होता था और ऐसे कभी दोस्ती भी नहीं हुई, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होगा जो आप कह रहे हैं। मैंने दो फिल्में अभी सब्जेक्ट सुन के उनका फाइनल कर दिया है, पर आई डोंट वांट टू अनाउंस नाउ, अभी नहीं करूंगा। लास्ट क्वेश्चंस, आर यू अपसेट विद डेविड धवन नॉट वर्किंग विद यू एनीमोर? अपने अपनी सोच होती है, मैं किसी के सोच के ऊपर हकदार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त वो नए आए मैं उस वक्त
काफ़ी फिल्में कर रहा था और उसके बावजूद हम लोग काम किए और इतनी सारी हिट फिल्में जिस वक्त हम दे रहे होते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट आस, वो सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, वो पूरी टीम के पीछे किसी न किसी दैवी शक्ति कह लीजिए या किसी न किसी डिवाइन फोर्स का हाथ होता है। एंड समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जेलिंग, इट्स नॉट वर्किंग, सो देर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स फॉर नोबडी, इट्स अ टाइम एंड टाइम फैक्टर में क्योंकि लोग सवाल पूछने लगते हैं तो जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, परंतु मैं ऐसे किसी के दिल में खराबी लगे ऐसे सवाल जवाब मैं करता नहीं हूँ आगे से। एक समय ऐसा आया था कि जैसे ये कह रहे थे कि आपको बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप उस डिवाइन फोर्स के टच में आ जाते हैं और आप ये समझते हैं कि जो वॉट एवर गॉड हैज़ गिवन टू अस एंड ही इज़ गिविंग अस, इट्स एवरीथिंग इज करेक्ट एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद नो बडी आई हैव। Yeah, firstly I would like to thank Mr. Nari Hira and would like to thank Mr. Pahlaj Nihalani that he had given me a debut film opposite Govinda ji. So that was a big thing for me and of course Govinda ji ke saath kaam karke mujhe bahut acha laga because he is a fantastic actor bhi nahi hai, wo in a person also he is mind blowing. Off screen, on screen he is superb person. लाइक ये जैसे मेरी पहली फिल्म है तो अभी आगे और जो भी करूँगी बट इनके साथ कह रही हैं पर मुझे लगा नहीं फिल्म में ये मैं इन लोगों से यही सवाल पूछ रहा था खाना खा के आए हो क्या लेकिन कहीं मुझे स्क्रीन पे ना खा जाएं कहीं दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड आज जो यंगस्टर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि इतने हार्ड वर्किंग इतने फिट इतना एंड दे आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड एंड दैट इज़ देयर इन देयर वर्क आई फील वेरी गुड वेरी नाइस मेरी तारीफ रह गई थी मुझे तुम नीचे उतर के पैसे दे देना बट क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही मेड अस सो कम्फर्टेबल ऑन सेट यू नो ऑन कैमरा कि चलो ऐसे करते वैसे ही वॉज लाइक यू नो वेरी गुड टू ऑल ऑफ अस इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कोई डाउट ही नहीं है प्रहलाद जी के साथ गोविंदा जी के साथ शक्ति कपूर जी के साथ यस बींग अ न्यू कमर लाइक बींग हैविंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड I got this one. I'm like super lucky person. Any more questions? My question is Pehla ji. Pehla ji, ये जो साल है 2018 was not a very happy year for the Bollywood. जितने बड़े actors हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इनकी सारी इनकी फिल्में आई, फिल्में इतनी अच्छी नहीं चली. Flop. Flop. So in short, okay. Yes. मैं ये चाहता हूँ कि जैसे गोविंदा जी का एक जब हम चाहते हैं कि फिल्म देखने जाते हैं तो गोविंदा जी को हम देखते हैं कॉमेडी और डांस एक परफॉर्मेंस उनका एक दिमाग में उनके चलते हैं सो टुडेज टाइम जो यंगस्टर्स है और जो फिल्में आ रही है एक आई फिल्में जो जिनकी स्क्रिप्ट अच्छी है वो चलती है और दूसरी ये फिल्में हैं जिनमें सॉन्ग्स और डांस अच्छा है वो भी चलती है आई मीन प्रेजेंट वन मूवी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी जो आज रिलीज हुई है उसमें अगर आप देखेंगे रोहित शेट्टी की जो मूवी आ रही है इट्स अ कम्प्लीट एंटरटेनर जिसके अंदर गाने भी हैं और गाने जो पुराने गाने को उसको उन्होंने ऑप्ट करके चलाए हैं मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे गोविंदा जी है गोविंदा जी की एक इमेज है कि जो आजकल के नए जो है स्टार्स जो आ रहे हैं एक्टर्स जो यूथ है वो उनकी स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं जैसे वरुण धवन है वरुण धवन को हम जब देखते हैं तो वी फील दैट गोविंदा सो वेयर डू यू सी दैट द दिस मूवी व्हिच यू वुड रिलीज ऑन 11th ऑफ जैन डू वी सी द सेम कंटेंट देखिए सबसे पहले ये बताऊंगा जो आपने जो शुरू से कहा कि ये इसकी नहीं चली उनकी नहीं चली उनके बारे में तो कहूँगा नहीं हमेशा ये न्यूट्रल का लॉ है एक जाएगा एक ऊपर आएगा तो एक दूसरा नीचे आएगा तो हमेशा इस तरह जब जो जाता है उसकी जगह कोई ले लेता है और कोई जाता है तो उसकी वापस वही जगह ले लेता है ये हमेशा इंडस्ट्री में चलता ही है और कब तक कौन चल सकता है और चला सकता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है आज प्रपोजल बन रहे हैं एक्टर्स को लेके बन रहे हैं कहानी को लेके नहीं बन रहे इसलिए आज हमारी इंडियन वैल्यूज़ इंडियन थाट्स इंडियन म्यूज़िक जो है वो साउथ में आज भी तेलुगू हो या तमिल हो आज भी अलाइव है
इसलिए आज ज़्यादातर आप मोर देन हिंदी सिनेमा जितनी बनती है उससे ज़्यादा तेलुगु की डब फिल्में टेलीविज़न में चलती है और मोर कॉस्टली मूवी मतलब लेके चैनल वाले चलाते हैं क्योंकि उनको इंडियन कंटेंट घर घर में पहुंचाना है। जिस तरह से घर घर मोदी पहुंच गए उस तरह से घर घर में डब फिल्में भी पहुंच गई है जो हिंदी सिनेमा हम कम नहीं बनाते, जो चाहिए बनाते हैं। रोहित शेट्टी ने वही फिल्म बनाई जो तेलुगु में हिट थी, उसी फिल्म हिट एवरेज थी, उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई करके और अच्छा करके एक हिंदी सिनेमा, जिस तरह से गोविंदा जी ने कहा कि मेरी फिल्में सिनेमा होती है जो कंप्लीट, जिसमें एंटरटेनमेंट हो, हंसना हो, रोना हो, इमोशंस हो, एक्शन हो, एक कंप्लीट पैकेज ऑफ द सिनेमा जिसमें सिचुएशनल गाना हो। आज गानों को हम ये तो ताना मार लेते हैं कि जो पहले म्यूज़िक होती थी आज रेडियो में भी हमें एफएम में भी जो हमें पुराने गाने ही सुनने को मिलते, नए गाने आए और कब गए, कब फिर आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन आज भी 60 के 70 के 90 के मैक्सिमम गाने एफएम में चल रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है, कितने सालों के बाद भी चल रहे हैं जिस तरह से गोविंदा चलते आ रहा है। और मैं 25 साल के बाद फिर गोविंदा को काम करने के लिए तरस कर रहा हूँ कि भैया जिस तरह से हिंदी सिनेमा का सरताज, जिसको मतलब जो ना आप क्राउन जो ना पहना सकते हैं, वो है गोविंदा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो फिल्म मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट जो है बहुत चाहिए पब्लिक को क्योंकि तरस रही है नोटबंदी से, जीएसटी से, तो उसके लिए सिनेमा जो है ना आती नहीं है, वो आई नहीं, इसलिए फिल्में नहीं चल रही है क्योंकि एंटरटेनमेंट भूल गया। रोहित शेट्टी ने अपना मकाम जो है रखा है एंड आई एम ग्लैड कि जाते जाते जीरो से हीरो बनने के लिए रोहित शेट्टी और रणवीर जो है ना आ गए और शुरुआत नए साल की गोविंदा करेंगे। आई एम सो ग्लैड। Thank you.